एक समय था जब ये ड्राइंग नहीं कर पाती थी, बोलती थी डैडी बना दी। सही ले आए थे बड़ा, तो आज ये काम आ सही ले। प्रोजेक्ट वर्क, वो भी अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखा रही है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा कलाकारी है। प्रोजेक्ट वर्क, वो भी अपना प्रोजेक्ट। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग आज शुरुआत कर रहे हैं ये सुंदर वंडरफुल ड्राइंग से। एक समय था जब ये ड्राइंग नहीं कर पाती थी, बोलती थी डैडी बना दीजिए, हम नहीं बना पाएंगे। और देखिए इसके अंदर ये कलाकारी अपने आप डेवलप हो रहा है, और ये इतना सुंदर प्रोजेक्ट बना दी है, डिजाइन करके सब खुद से ही बनाई है। खाली हाँ, ये बॉल में थोड़ा सा वो करने के लिए बोली थी तो हम कर दिए थे, और वो भी ड्राइंग बनाने सीख गई है। प्रोजेक्ट वर्क, वो भी अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखा रही है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा कलाकारी है। बाबा के लिए खूब सेवा करेगी, बाबा का ड्राइंग बनाएगी आगे जाके। ये बहुत अच्छा स्किल्स हैं, ये लोग ड्राइंग में इसको प्राइज भी मिला है पहले। हाँ बहुत सारा बना है, दिखा देगी। पहले आप मुरली का देखते हैं क्या आज बाबा क्या बोले हैं। ये SST का प्रोजेक्ट बनाई थी, दिल्ली का कौन सा फूड है, आप लिखना है, कौन सा प्लॉट है। इसको अच्छा से मोड़ के रखो। ये क्या बनाई? मेरा है ये वाला। ये हिंदी का प्रोजेक्ट है, मेरा है। इसमें भी क्या क्या लिखी है? मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मैं एक शहर एक सड़क पर रहता हूँ, भीड़ भाड़ से भरे शहर मैं घनघोर प्रदूषण सहता हूँ, लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है, नहीं समय है पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। सही है। सारा अव्यक्त मुरली का बाबा का बुक है जो खत्म हो गया है। ये बुक सब यहाँ निकले हुए हैं, क्योंकि 2002 में बाबा का जो बाबा मिलन का मुरली चला है वो कंप्लीट हुआ। 1997 जो चल रहा है अभी करेंटली वो पूरा कंप्लीट, 1998 अभी शुरू हुआ है, और 1982 जो हम 1969 से शुरू किया गया था किए थे वो चल रहा है, और 1970 अभी अव्यक्त क्रांति जो सचिन भाई के माध्यम से चल रहा है वो रिवीजन का काम चल रहा है। ये अव्यक्त मुरली का प्रोजेक्ट है। ये शिव आमंत्रण पुस्तिका है जो स्पेशल शिवरात्रि के लिए निकला है ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के तरफ से। ये पत्रिका आप लोग के लिए गिफ्ट है। अगर आपको किसी को भी पत्रिका चाहिए तो आप मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, चाहे कमेंट करें, मैं आपको ये शिव आमंत्रण हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मेल कर दूंगा। अगर आप मुझसे मिलेंगे तो आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगा। तो आज बाबा के लिए क्या बना था? सुबह में बनाए तो नहीं, इस तवा में ये चिल्ला बना है बाबा के यके में, बाबा के लिए भोग। स्टार्ट नहीं है अभी तो, का रिकॉर्डिंग। और अभी सब्जी लेके वापस आए हैं। आज सब्जी में ये पपीता जनरली 40 रुपए किलो देता है, लेकिन 2 किलो बोले लेंगे तो 30 रुपए लगाया है। ये सब दो तरह के सब्जी वाले भी होते हैं, एक लोकल होते हैं और एक जो होते हैं बाहर वाले, जो बाहर के सब्जी विदेशी जो सब्जियां होती हैं बाहर से जो आई हुई होती हैं दूसरे स्टेट से, एक होते हैं यहाँ के लोकल जो लोकल किसान होते हैं वहाँ। जनरली सब्जी जो है मैं उसी से लेता हूँ, लोकल से, जो लोकल आज ही सुबह में तोड़ करके वो लाते हैं और ताज़ा बेचते हैं सामान, यहाँ के लोकल किसान होते हैं और रेट भी ठीक ठाक ही लगाते हैं। चलो सजल आ जाओ। नहीं। चलो ठीक है चलो। तो आज ये किसको नया सेवा मिला हुआ है, सेवा करने में बहुत इंटरेस्ट है इन लोग का। कोई भी सेवा मिलता है तो बहुत अच्छा से इंटरेस्ट से करती है। तो स्पेशल प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि आज ये लैपटॉप, ये वाला जो हेलमेट है बाइक का बहुत गंदा हो जाता है, वाइट है ना, तो इसको साफ करने के लिए सैनिटाइजर हम लोग के पास पड़ा हुआ था कोरोना काल से ही, ले आए थे बड़ा, तो अभी आज ये काम आ रहा है सेवा में, स्पेशल सेवा में काम आएगा। अच्छा से इसको वाइट करके एकदम चमका देना, ठीक है, ऐसे ही आत्मा को भी चमकाना है, ऐसे ही जैसे कैसे आत्मा कैसे चमकेगा
बाबा की याद से, बाबा देखो बाबा की याद में जब हम लोग बैठते हैं ना तो क्या होता है, हमारी आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है, बाबा बोला है ना। ओम शांति। आज के ब्लॉग की शुरुआत डायरेक्शन राइज। आज आपको क्या नज़र आ रहा है डिफरेंस? समय ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं मौसम इतना साफ हो गया है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहुंच रही है और इतना बड़ा सूरज दिखाई पड़ रहा है आज सुबह सुबह, ज़्यादा नहीं 6:15 है। तो सन गेजिंग का समय, यही वो समय है जिसमें सन गेजिंग आपको करना है। जब सूर्योदय हो रहा हो, शुरू हो चुका है, उस समय आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक इसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैं छत पर आ गया हूँ, दोनों बाबा के बच्चे अभी आ रहे हैं, पीछे से ब्रश कर रहे हैं, और मैं आया तो देखा कि ये दोनों सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। छत खुल गया है तो इनको लग रहा है कि इनको भोजन आ चुका है, इनका भोजन मिलने वाला है। ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ये बाबा के बच्चे, ये और ये नज़दीक ही आते जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये कौवा भी इंतज़ार में है, काला कौवा कबूतर। आज बाबा ने कहा है बच्चे बाप को याद करना है, पावन बनना है, और इसी पावन बनने में ही दिक्कत है, इसमें ही लोग विघ्न डाल रहे हैं, माया विघ्न डाल रही है। इस रावण से अपनी बचाव रखना है, पवित्र बनना है, पतित से पावन बनना है। देखिए वो धुआं दिख रहा है आपको जो चारों तरफ फैला हुआ है। आज बाबा ने कहा बच्चे सबको ज्ञान अमृत पिलाओ, ज्ञान अमृत बाबा तुमको पिलाते हैं, तुमको भी सबको पिलाना है। ज्ञान अमृत के प्यासी हैं आत्माएं, दुखी हैं, सबको पिलाओ। मौसम एकदम साफ है, वो चांद आपको दिख रहा है, वो चांद बहुत ही चमकीला था अभी कुछ देर पहले ही 5 बजे करीब, और वो अब धीरे धीरे उसका चमकीलापन ख़त्म होता जा रहा है, और अब सूरज की रोशनी आ गई है पूरे चारों तरफ। पानी जमा हुआ देख रहे हैं आप ग्राउंड पर, बारिश हुई थी 2 दिन पहले, बहुत तेज बारिश हुई है धनबाद में। चलिए लोग का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, ये लोग आएगी तो ये भोजन, तब तक हम लोग इस मुरली को रिवीजन करते हैं, अव्यक्त क्रांति और सन गेजिंग करते हैं, पॉजिटिव संकल्प पूरे विश्व में फैलाते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, भगवान सबकी आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाए, सबको सदगति प्रदान करे, सबका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें, पवित्र रहें। ये लोग लेट कर रही है इसीलिए मैं धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है। सन केजिंग आज संख्या आप देख लीजिए, संख्या बहुत ज्यादा है, यही वो टाइम है ज्यादा संख्या होता है, लेट करने से आप संख्या कम हो जाती है। आज बाबा ने कहा बच्चे महान पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करो, महान पुण्य आत्मा बनना है तो सबको ज्ञान अमृत पिलाओ, ज्ञान अमृत पियो बाबा का और ज्ञान अमृत पिलाओ। अगर महान, ये सबसे महान कर्म है, महान पुण्य आत्मा करने का, यही बाबा का पुण्य आत्मा बनो और बनाओ। दुनिया में लोग समझते हैं कि ये भी पुण्य कर्म है, हाँ इसीलिए पक्षियों को दाना खिलाने की जो प्रथा है, गरीबों को खाना देने का जो प्रथा है वो लोग करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पानी देते हैं गर्मी के दिनों में, गरीबों को खिलाना, कपड़ा देना, कुछ डोनेट करना, आपको
क्या एग्जांपल दूँ, एक भाई तो ऐसे मिले हैं कि वो कह रहे थे कि इतना धन कमाए भाई जी, इतना इधर उधर से कमाने कमा लेंगे, इधर से कुछ भी करके कमाएंगे, काला करके, भ्रष्टाचार करके, लेकिन धन को फिर अच्छे काम में, पुण्य काम में लगाएंगे। क्या फायदा, आपने कौन सी कमाई पुण्य काम में लगाई, उससे आपको क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं खूब गंदा होंगे फिर साफ तो हो ही जाएंगे, जैसे होली में लोग हो जाते हैं। होली मतलब होता है पवित्रता, पवित्र, शुद्धता। चलिए, ये सब भोजन कर रहे हैं मस्ती से, और हम लोग भी भोजन करें। मुरली क्लास का टाइम होगा, ये भोजन भी कर लें, सनगेजिंग। ओम शांति। आज की ब्लॉग की शुरुआत भी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, सुबह सुबह संकल्प लीजिए, मैं सदा स्वस्थ हूँ और शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं सदा शांत रहने वाली, शांत चित्त, निश्चिंत, स्वचिंतन करने वाली आत्मा हूँ। सुबह सुबह ज्ञान अमृत पीने और पिलाने वाली आत्मा हूँ। आत्मा का भोजन ज्ञान, जो बाबा हम बच्चों को रोज खिलाते हैं, ज्ञान दूध पिलाते हैं, तो रोज मैं मास्टर मुरलीधर, आज सन आया नहीं है, बादल है, वेदर भी आप देख सकते हैं। सुबह सुबह आपको मैं बता दिखाता हूँ। बहुत लोग तो हैं सुबह का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, उठते ही ऐसे समय में। एक कहावत भी है कि वो बहुत दिनों बाद सुबह में उठा था तो उसके आंखों से आंसू आ रहा था कि देखो मैं इतनी अच्छी सुबह को कितना मिस करता रहा, रोज 10 बजे ही सो के उठता था। ओम शांति। चलिए, आज सतगुरुवार है और कल शिवरात्रि का त्यौहार भी है। कल पूरे विश्व में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा, और आज सेंटर पर भी झंडारोहण का प्रोग्राम हो सकता है, नहीं तो कल होगा। सभी सेंटर्स पर होने शुरू हो गए हैं, पूरा महीना ही शिवरात्रि का त्यौहार चलता है ब्रह्मा कुमारी इसके सारे सेंटर्स पर। वो झंडा फहराने का जो सेवा है, वो देखिए झंडा बाबा का फहर रहा है, उसको चेंज करना है। तो सतगुरुवार है, लोग को उधर से ही स्कूल छोड़ना है और पहले सेंटर जाएंगे 6:30 से 7:30, वहाँ पे ज्ञान अमृत पीने का सेशन है। तो चलते हैं, ऐसे सभी को अध्यात्म की ओर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का टाइम चल रहा है, और इतना नेगेटिव टाइम में हम बच्चों को अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो आत्मा बहुत ही कमज़ोर महसूस करती है। तो चलिए, सतगुरुवार के दिन हम लोग सेंटर चलते हैं, ये लोग तैयार हो गई हैं। देखो वहाँ पे बाबा आए हैं, बाबा आए हैं किस लिए, स्वर्ग बनाने आए हैं, ठीक है। देख लीजिए, स्कोर्ट्स के साथ यहाँ खत्म करते हैं। बिकम सो जॉयफुल डेट इंटरनल हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस। तो सुबह सुबह ये लोग का टिफिन आज यही बना है, बाबा को भोग लग रहा है, बाबा के लिए भोग बना चुकी है, और ये लोग यही टिफिन लेके जाएगी और बाबा के घर में भी जाएगी, तो वहाँ भी भोग खाएगी, टोली खाएगी। आज यही सुबह सुबह जो है यही भोग का कार्यक्रम है। तो दोस्तों, आज की मुरली कंप्लीट हुई, 8 बज गए हैं। तो आज की मुरली का मैं आपको सार सुना देता हूँ।
कि आज बाबा ने हमें इस शरीर से ममत्व हटाने के लिए कहा है। शरीर और आत्मा, ये शरीर और एक आत्मा, दो चीज है। आत्मा इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, प्रकाश। ये शरीर विनाशी है, तो इस विनाशी शरीर से कैसा ममत्व है? ये शरीर विनाश होने वाला है, शरीर छूट जाएगा, फिर नया शरीर मिलेगा। तो हमें क्या करना है? इस शरीर से ममत्व, शरीर से भी ममत्व और शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व हटा देना है। कल बाबा ने कहा था अंतमतिसो गति, अंत समय कोई की याद ना, एक बाबा याद आए। बाबा की याद से इस आत्मा को पावन बना देना है, पावन बनकर उस पावन दुनिया में जाना है और ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। ईश्वरीय लॉटरी कौन सी है? बाबा आकर हमें हाथों में बहिष्ठ लेकर आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आते हैं। बुली का सार आप देख सकते हैं, और बाबा ने आज कहा है बच्चे आत्मा को बड़ी, शरीर छोड़ने से बड़ा डर लगता है, तो शरीर जो है पावन बनकर बाबा बोलते हैं घर जाना है, याद करना है बाप की याद से, भगवान की याद से अपने विकर्मों का विनाश करना है और बाबा से मिलन मनाना है। और क्या बोले सेजल बाबा, क्या सुनी, क्या करना है? बाबा को याद करना, याद से विकर्म विनाश करना है। 63 जन्मों का विकर्म है ना, पाप का खाता है, तो उसको हमको बाबा की याद से योग बल से विकर्म विनाश करना है। बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं रहता है कि योग बल से भी विकर्म विनाश होता है, तो भोग बल से विकर्म विनाश करते रहते हैं, पता नहीं है बाप किसको याद करना है, किससे कनेक्शन जोड़ना है। तो बाबा की याद से बहुत फायदा करती है, भगवान की याद से क्या होता है, पाप कटता है, विकर्म विनाश होते हैं, इसीलिए दुनिया में ये बहुत प्रचलन है ना। तो आज की मुरली का यही सार है कि शरीर से ममत्व हटा देना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, डिटैच हो जाना है। देख लीजिए ऐसे डिटैच का ये फोटो, ये नशा मुक्ति का है। कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, आत्मा बन करके अपने को आत्मा देख करके करना है, ठीक है।